What's up guys, this is Guru Maan. मैं आपको यहाँ क्विक इन्फॉर्मेशन दे रहे जा रहा हूँ पानी के बारे में. मैं आपको मैंने बताया था आपको कितना पानी दिन के अंदर पीना चाहिए. मैं वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर, आपको मालूम था. इस वीडियो में बताऊँगा आपको कब पानी पीना चाहिए, टाइमिंग क्या है. अक्सर लोग पूछते हैं क्या मैं खाने के साथ पानी पी सकता हूँ, कब पीऊँ, कब पानी पीऊँ, क्या वर्कआउट के दौरान पानी पी सकता हूँ. ये कन्फ्यूज़न है लोगों के अंदर. मैं सॉर्ट करता हूँ अभी पानी कब पीना आपने. आपको मालूम है लगभग 3 से 4 लीटर पानी आपने दिन के अंदर ज़रूर पीना है. मैं ब्रेक करता हूँ, ब्रेक डाउन करता हूँ इसका स्केड्यूल. सुबह उठकर आपने पीना है 500 ml सबसे पहले. उसके बाद खाने से आधा घंटा बाद और खाने से आधा घंटा पहले आपने 250 ml पानी पीना है, एक ग्लास पानी. सिंपल रूल, मतलब ब्रेकफास्ट से आधा घंटा बाद 250 ml पानी पियेंगे. उसके बाद आपका दोपहर का स्नैक होगा, अगर उससे आधा घंटा पहले 250 ml पानी पियेंगे. मतलब ब्रेकफास्ट और स्नैक के अंदर आपने 500 ml पानी पीना है. उसके बाद स्नैक और लंच के अंदर आपने 500 ml पानी पीना है. उसके बाद लंच से प्री वर्कआउट के अंदर आपने 500 ml पानी पीना है. उसके बाद वर्कआउट के दौरान आप लगभग 500 से लेकर 750 ml पानी पियेंगे. वो सिप करेंगे, आप सीधा नहीं पियेंगे, यू कैन सिप इट थ्रू आउट द वर्कआउट. वर्कआउट जो प्रोटीन शेक है, और डिनर के अंदर एक ग्लास पानी पीना आपने, और डिनर से बिफोर बेड मील के अंदर लगभग एक ग्लास पानी पीना है. सो ये अपना एक ग्लास का मतलब है 250 ml. सो 500 ml आपने पीना है सुबह जब उठते हैं, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, एम्प्टी स्टमक. दूसरा आप पियेंगे ब्रेकफास्ट के बाद और लंच के अंदर, ब्रेकफास्ट और स्नैक के अंदर 500 ml, एक लीटर हो गया. स्नैक और लंच के अंदर आधा लीटर, मतलब 1.5 लीटर हो गया टोटल. लंच और प्री वर्कआउट के अंदर आधा लीटर, मतलब 500 ml, 2 लीटर टोटल हो गया. वर्कआउट में आप आधा लीटर पानी, आधा लीटर से 750 ml पियेंगे, कितना हो गया 2 लीटर एंड 2.75. एक्सरसाइज प्रोटीन शेक और डिनर के अंदर आपने पीना है 250 ml, कितना हो गया 3 लीटर. उसके बाद डिनर और बिफोर बेड के अंदर आपने 250 ml पीना है. सो 3.25 आपका पानी हो गया. अब आपको मालूम है कि यहाँ पर पानी थोड़ा सा और बढ़ सकता है, क्योंकि वर्कआउट के दौरान आप शायद 250 ml एक्स्ट्रा पानी पी सकते हैं. मैं दूसरे फ्लूड ऐड नहीं कर रहा हूँ, कॉफ़ी और जूस और प्री वर्कआउट, इसको पानी में नहीं बोल, पानी का मतलब H2O, कुछ भी ऐड ना हो. बाकी फ्लूड आपके अंदर लगभग 1 से 1.25 लीटर एवरी डे आप पीते होंगे शायद. सो बेसिक गाइस, सिंपल इन्फॉर्मेशन है आपकी. इस तरह से आप 3.5 लीटर और 4 लीटर पानी पी सकते हैं दिन के अंदर, और ये टाइमिंग है. नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे, आपको पता चलेगा कब कब पानी पीना है. बहुत ही सिंपल है. सो पानी ज़रूर पिए आप, 3 से लेकर 4 लीटर पानी आपने दिन के अंदर जरूर पीना है. गाइस टेक केयर, दिस इज गुरु मान, ओवर एंड आउट. Guarantee of success, but without it, there is a guarantee, the guarantee of failure. The harder I work, the luckier I get. The harder I work, the richer I get. The harder I work, the greater my success.